नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से दर्शकों के मुझे रोज मैसेजेस आते हैं कि कोरोना को लेकर के क्या होगा, कैसे होगा, कब खत्म होगा, कब ट्रेन चलेंगी, और एक घटना आती है और उनकी प्रतिक्रिया भी आती है। जैसा कि रेलवे ने 30 जून तक के टिकट कैंसिल किए, तो बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आई कि आपने 18 जून के लिए कहा था, यहां तो 30 जून तक ट्रेनें ही कैंसिल हो गई हैं। तो दोस्तों, आज ही एक वीडियो मैं दोबारा चौथा वीडियो कोरोना पर लेकर आ रहा हूं। पहले इससे पहले मैं 3 वीडियो लेकर आया था और उसमें मैंने सबसे पहला वीडियो 31 मार्च को बनाया था, जब मैंने कहा था कि ये लॉकडाउन का जो फेज शुरू हुआ है, ये 4 मई के बाद जाकर के इसमें हमको छूट मिलना आरंभ होगी। तब जबकि न सेकेंड फेज लगा था, न थर्ड फेज की कोई बारी थी, न फोर्थ फेज की कोई बारी थी। तब मैंने ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहा था कि 4 मई के बाद ही हमें लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जानी शुरू होगी। उसके बाद मैंने 4 मई के आस लगभग एक और वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि 18 जून के बाद जाकर के पूरे देश के अंदर ये लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति बनेगी पूरी तरह से, यानी कि रेलवे सर्विसेज, रोड पे जो एक राज्य से दूसरे राज्य के जाने के साधन है वो, और एयर कनेक्टिविटी, ये सभी 18 जून के बाद ही जाकर के सामान्य होंगी। केवल कुछ जगहों पर, उसकी भी संभावना बहुत कम है, केवल एकाध जगह पर जहां की बहुत ज्यादा कोरोना विस्फोट हुआ है, वहां पर हो सकता है कि बहुत छोटे से एरिया को रोक दिया जाए, अदरवाइज पूरा का पूरा हिंदुस्तान यहां पर सामान्य रूप से कार्य करने लगेगा। यह डेट 18 जून है ग्रहों के आधार पर। अब कितने कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, रेलवे कब टिकट कैंसिल कर रहा है, कब शुरू कर रहा है, मैं इसको देख करके कभी वीडियो नहीं बनाता। मैं केवल और केवल ग्रहों के आधार पर आपको ये बात बताता हूं। तभी मैंने 4 मई को ये बात बोली थी कि 18 जून के बाद से स्थितियां सामान्य होंगी। और अब देखिए कि आज फिर एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अंदर रेलवे 1 जून से तैयारी कर रहा है ट्रेन चलाने की। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज को लेकर के घबराइए मत। स्थिति ग्रहों की वही है जो बन रही है और उसके इम्पैक्ट भी वही आएंगे, रोज उसके इम्पैक्ट कभी नहीं बदलते। इसलिए 18 जून के बाद में आपको पूरी तरह से रिलीफ यहां पर जरूर मिलेगा और उसके बाद गतिविधियां सामान्य होंगी और 18 अगस्त तक आपको पूरी तरह से रिलीफ भी मिल जाएगा, यानी व्यापार भी चलने लगेंगे, काम धंधे भी चलने लगेंगे और 18 अगस्त तक स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा जैसे हम कोरोना से बाहर आ गए हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद में फिर एक परिस्थिति ऐसी बनेगी जो पूरे विश्व को अगले साल मई तक परेशानियों में ले जाने वाली है, और वो परेशानी आर्थिक मोर्चे पर होगी और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। WHO के खिलाफ और चीन के खिलाफ उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और इसका इम्पैक्ट आपको ग्रहों के आधार पर अगर बात करें तो आपको अक्टूबर से देखने को मिलेगा, यानी इतना समय इस जांच के अंदर भी लगेगा और उसके परिणाम आने में भी लगेगा। तो अगस्त तक का समय ठीक है, अगस्त के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बदलेंगी और अक्टूबर के बाद से दोबारा एक घटनाक्रम शुरू होगा जो आर्थिक मोर्चे पर होगा और वो भयंकर फेस होगा, सबको डराने वाला होगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 31 मार्च से लेकर के और आने वाले अगले साल मई तक का एक पूरा रोडमैप दे रहा हूं कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारे साथ घटित होंगी, और उसको यदि ध्यान में रखकर के आप अपने सारे कार्य को संचालित करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहां मिलने वाला है। आप मत घबराइए कि रेलवे कब चलेगा, कब क्या होगा। आप 18 जून को अपने माइंड में लेके चलिए कि 18 जून के बाद स्थितियां सामान्य होने वाली और होंगी, और अगस्त तक सब कुछ नॉर्मल होगा, होगा। अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चेंज होंगी, होंगी, और अक्टूबर के बाद से लेकर के अगले साल मई तक फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा पूरी दुनिया के अंदर, आएगा। ये केवल और केवल ग्रहों की गणना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं किसी भी न्यूज को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं कि कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं तो अब इतने दिन में खत्म हो जाएगा। मैं किसी तरह का कोई डाटा एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, ये 100% प्योर एस्ट्रोलॉजी पर आधारित ये वीडियो है कि ग्रहों की स्थिति किस डेट के बाद परिस्थितियां बदलने का संकेत दे रही है और आप इसको देखेंगे भी, और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के भी। मैंने अगस्त 2018 में एक वीडियो बनाया था, आज यदि आप उस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको हूबहू वही चीज होती हुई नजर आएगी, और अगले साल मई तक का भी रोडमैप आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। उसके बीच में और भी घटनाएं आएंगी, जैसे अक्टूबर के बाद से राजनीतिक उथल फुथल भी बहुत होगी,
बहुत छींटाकशी होगी। इतना गंदा राजनीतिक रूप आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बंद है, लेकिन अब ये शुरू होंगे और अक्टूबर के आसपास आपको इसका विकराल रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई होगी। जो कोरोना महामारी ने जो माहौल पैदा किया है, ये विपक्षी पार्टियों के लिए अस्तित्व का संकट है, क्योंकि राजनीति करने के लिए उनको मुद्दे भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि इस संकट के काल में काम किए गए हैं, उन कामों के परिणामों की भी समीक्षा होगी, मजदूरों का पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। ऐसे में राजनीतिक छींटाकशी भी बहुत होगी और उसका लेवल भी सामान्य से बहुत नीचे का होगा। राजनीतिक पार्टियों को भी इलेक्शन में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो डैमेज मिला है, आखिर वो जाए तो किस मुंह से जाए जनता के सामने, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में तो सबकी सरकारें थी, कांग्रेस की भी सरकारें थी, बीजेपी की भी सरकारें थी, आम आदमी पार्टी की भी सरकारें थी, और भी पार्टी की सरकारें थी, तो किसने इतना बढ़िया काम कर दिया कि जिससे तकलीफ ना हुई हो। तो राजनीतिक पार्टियों के पास में कोई मुद्दा नहीं रहेगा इलेक्शन में जाने के लिए, जो कि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं और बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसे में ओछी राजनीति ही एकमात्र सहारा होगा, आरोप प्रत्यारोप ही एक सहारा होगा एक दूसरे को नीचा दिखाने का, और उसका बहुत गंदा रूप हमको अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत भी अगस्त के बाद से हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको पूरी तरह से समझाना था कि जो कोरोना की वजह से माहौल शुरू हुआ है, वो कब तक जाकर के किस तरह से अपना बार बार रूप बदलेगा और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे प्रश्न जो पहले के थे, जो आज हैं और जो आने वाले समय में आपके होंगे, उन सबका मैंने एक उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश की है। घबराइए मत, परिस्थितियां आपके सामने हैं, उसका रोडमैप मैंने आपके सामने रखा है, उसके अनुसार आप अपने अपनी परिस्थितियों को मैनेज करिए और आगे बढ़िए। ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है, हम सबकी रक्षा जरूर करेगा। सकारात्मक रहिए और एक सकारात्मक भूमिका भी अपने जीवन में निभाइए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।